हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं हमारी पिछली वीडियो के ऊपर आए रिस्पांस के लिए। आप सब अपना सपोर्ट हम पर ऐसे ही बनाए रखें। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले जानते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है। सुपर कंप्यूटर एक वो कंप्यूटर है जिसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर की। और इनकी परफॉर्मेंस को नापने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड यानी कि फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS, जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसर स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज होता है। 2017 के बाद से ऐसे सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुए हैं जो कि 100 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स तक परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा है। और नवंबर 2017 के बाद से जितने भी दुनिया के फास्टेस्ट 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। और सुपर कंप्यूटर के बारे में फर्दर रिसर्च चाइना, US, यूरोप, ताइवान और जापान जैसे डेवलप्ड देशों में की जा रही है, जो कि इससे भी कई गुना ज़्यादा फास्ट एंड पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश में लगे हैं। सुपर कंप्यूटर को और डीपली जानने के लिए आइए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। 1960 में स्पेरी रैंड ने लिवरमोर एटॉमिक रिसर्च कंप्यूटर लार्क बनाया, जिसे आज के टाइम में दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और इसे US नेवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए बनाया गया था। IBM 7030 लॉस एलेमनोस नेशनल लेबोरेटरी के लिए IBM कंपनी ने बनाया था, जिसने 1955 में एक ऐसे कंप्यूटर की मांग की थी जो नॉर्मल कंप्यूटर से 100 गुना तेज़ हो। IBM 7030 बनाने के लिए ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन और पायनियरिंग रैंडम एक्सेस डिस्क ड्राइव जैसी चीज़ों का यूज़ हुआ था। और ये 1961 में बनकर तैयार हुआ। इसके नॉर्मल कंप्यूटर से 100 गुना तेज़ ना होने के बावजूद लॉस एलेमनोस नेशनल लेबोरेटरी ने इसे खरीद लिया था। इंग्लैंड और फ्रांस में कस्टमरों ने भी ये सुपर कंप्यूटर को खरीदा, जिसकी वजह से IBM 7950 हार्वेस्ट बन पाया, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो कि क्रिप्टन एनालिसिस के लिए बना था। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इनके बाद 1964 में सीमोर क्रे ने CDC 66000 बनाया। इसमें जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, जो कि फास्ट था और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेफ्रिजरेशन के डिज़ाइन में इंट्रोड्यूस किया गया। और इन्हीं वजहों से CDC 66000 दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया और अपने सारे कंपटीटर को पीछे छोड़ दिया। इस कंप्यूटर ने सुपर कंप्यूटिंग मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब इसके 100 कंप्यूटर्स $8 मिलियन ईच पर बिके, तो क्रे ने 1972 में CDC छोड़ के अपनी खुद की कंपनी खोली क्रे रिसर्च के नाम से। उसके बाद उन्होंने क्रे 1 और क्रे 2 जैसे सुपर कंप्यूटर्स निकाले, जिनमें लिक्विड कूलिंग जैसे फीचर्स थे। आइए अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने सुपर कंप्यूटर मार्केट में एंट्री कैसे मारी। इंडिया का सुपर कंप्यूटर का प्रोग्राम लेट 1980 में शुरू हुआ, क्योंकि क्रे सुपर कंप्यूटर को इंडिया में एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया गया था ड्यू टू आर्म्स एम्बार्गो। इसका मतलब है कोई चीज़ उस कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। और इसका रीज़न था, सुपर कंप्यूटर एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता था। सुपर कंप्यूटर परम 8000, जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC ने जुलाई 1, 1991 में लॉन्च किया, और ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो फिर रेप्लिकेट किया गया और ICAD मॉस्को में इंस्टॉल किया गया अंडर 1991 रशियन कोलैबोरेशन। नवंबर 2016 में इंडिया टॉप 500 की लिस्ट में 14th रैंक पर आया था, जो बेस्ड था RMAX पर, जो कि पीक स्पीड को बोला जाता है। 1993 में जितने भी सुपर कंप्यूटर थे उनकी रैंकिंग की गई, तो लिनपार्क बेंचमार्क रिजल्ट पर बेस्ड RMX की 2016 की लिस्ट में US, चाइना और जापान टॉप में थे। टॉप 500 की जून 2018 की रैंकिंग में इंडिया में 5 सुपर कंप्यूटर थे, जबकि US और चाइना के पास 171 सुपर कंप्यूटर थे। और इंडिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया अब अपने आने वाले फ्यूचर्स में सुपर कंप्यूटर के मार्केट में आगे बढ़ने के लिए करीब $2.5 बिलियन लगा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम आपके लिए सुपर कंप्यूटर का एक और एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।